झारखंड में घट रही आदिवासियों की संख्या पर चिंता जताई है। बढ़ रही मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या पर भी गिरिराज सिंह ने चिंता जताई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। जेएमएम को झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने इसकी जिम्मेदार बताया है और झारखंड में आदिवासी सीएम के बावजूद घट रही संख्या, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है। सीएम हेमंत सोरेन मानने को तैयार नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सीएम ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है। तो गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है और जिस तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, ऐसे में उनका एक बड़ा बयान सामने आया है और जेएमएम पर बरसे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, आज जो सरकार है, हेमंत सोरेन आदिवासी से आते हैं, शिबू सोरेन जी के लड़के हैं, इन्हीं दोनों का अधिपत्य रहा, लेकिन अधिपत्य तो रहा जो 44 से 48% तक कहा जाता है कि आदिवासियों का आबादी था, आज घटकर के 28% कैसे हो गया? खुलेआम मुसलमानों को छूट दे दी और वो मुसलमान चंपई सोरेन ने जब विधानसभा में कहा था तो सबको बुरा लगा था कि हम ही नहीं जब बचेंगे, हमारे परिवार नहीं बचेंगे, मुस्लिम हमारी बेटियों से शादी कर रहा है, इस पर रोक मुख्यमंत्री जी लगाएं, तो फिर हम सत्ता में कहां से आएंगे और उनकी रक्षा कहां से करेंगे? आज हेमंत सोरेन की सरकार मुस्लिम सोरेन हो गए, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं रह गया, मुस्लिम सोरेन हो गए। वोट के लिए आदिवासी की अस्मिता आज खतरे में है। जेएमएम का फुल फॉर्म आपने ट्वीट किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने जेएमएम का कुछ और फॉर्म बताया है। है झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो गया। अगर मैं ये कहता हूं तो कोई गलत नहीं कहता हूं झारखंड मुस्लिम मोर्चा, क्योंकि वोट के लिए अंधा हो जाना, अपने आदिवासी भाइयों को भूल जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए, झारखंड के हिंदुओं के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुमका में अच्छी कमाई का झांसा देकर आदिवासी मजदूरों के शोषण का खेल चल रहा है। ये खेल इस स्तर तक खतरनाक है कि एक बार इस रैकेट के झांसे में आने के बाद कई